obtain the Taylor's expansion or Lorentz series which represents the function f of z is equals to 1 upon z plus 1 upon 1 plus z square into z plus 2. Here mod of z is less than 2 and it here 1 less than mod of z less than 2. Now see here. अगेन यहाँ पे आपके पास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है, वन लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन टू. सो फॉर यूजिंग दिस टर्म वी कैन राइट वन बाय जेड लेस देन वन एंड सेकेंड इज मॉड ऑफ जेड बाय टू इज लेस देन वन. सो देयर इज टू टर्म्स विच इज लेस देन वन. वन इज वन अपॉन जेड and another is z by 2 less than 1. Now, what about this function f of z? F of z is our 1 upon 1 plus z square z plus 2. इसको partial fraction से हमें separate करना है. अगर partial fraction से separate करोगे, तो पहला quadratic equation है. तो quadratic को लिखते वक्त क्या लिखते हम? az plus b divided by z स्क्वेयर प्लस वन. एंड दूसरा जो टर्म है ये लीनियर फैक्टर है, इसमें सिंगल पावर है z का. सो वी कैन राइट सी जेड जेड प्लस टू. अगर ये टर्म इसी को इक्विवेलेंट है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये डिवीजन का टर्म कैंसिल. दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, वन इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी into z plus 2 plus z square plus 1 into c. इसमें से a b c d इन तीनों का वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. c का वैल्यू कोई बता सकता है? ओरली c निकाल सकते हो? z equals to minus 2 पुट अप करके c निकाल लूं. सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू माइनस टू अगर पुटअप करते हैं तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा. फोर प्लस वन इज फाइव सी. दैट मीन्स c इक्वल्स टू वन बाय फाइव. यस क्लियर है क्या? c इक्वल्स टू वन बाय फाइव. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है a एंड b. तो ए के मल्टीप्लीकेशन में जेड है तो आप जीरो पुट करके इसको हटा सकते हो. जैसे जेड इक्वल्स टू अगर आपने जीरो पुट अप कर दिया, सो पुट जेड इक्वल्स टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में वन इक्वल्स टू राइट साइड में ये वाला टर्म जीरो, ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म जीरो, तो बी रिमेन इंटू टू प्लस यहाँ पे जेड का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो वन इंटू सी. सी इज अवर वन बाय फाइव. दिस वन बाय फाइव लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो वन माइनस वन बाय फाइव इज फोर बाय फाइव. यस टू बाय फाइव. नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ए. ए के लिए आप जेड का कोई भी वैल्यू पुटअप करो एक्सेप्ट जो हमने पुटअप किया है वो छोड़ के. तो सिंपल वैल्यू जो रहेगा ना उसमें से पुटअप करो. जैसे हमने माइनस टू एंड जीरो पुट किया है, वन बाकी है, तो आप जेड इक्वल्स टू वन पुट कर सकते हो. अदरवाइज कोएफिशिएंट को इक्वेट करने का प्रोसेस समझ में आता होगा तो वो कर सकते हो. तो मैं ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, पुट जेड इक्वल्स टू वन. एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वी पुट जेड इक्वल्स टू वन. सो इट इज ए वन इन ब्रैकेट ए प्लस बी, जेड इज वन तो
सेकेंड ब्रैकेट इज थ्री, देन टू सी. बी एंड सी का वैल्यू नोन है, सो इट इज ए वन इज इक्वल्स टू थ्री ए प्लस थ्री टाइम्स बी, बी इज अवर टू बाय फाइव, प्लस टू टाइम्स सी, सी इज वन बाय फाइव. नाउ सी हियर, ये टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट बाय फाइव को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. सो वन माइनस एट बाय फाइव इक्वल्स टू थ्री ए. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म, हाँ सी का वैल्यू वन बाय फाइव, वन बाय फाइव इंटू टू, टू बाय फाइव. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, फाइव माइनस एट, इट इज ए माइनस थ्री बाय फाइव, और थ्री थ्री कैंसिल आउट होके वी गेट ए इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय फाइव. नाउ सी हियर, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, मैं ए बी सी तीनों की जस्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो हमारा पहला टर्म था ए जेड प्लस बी, तो ए इज आवर माइनस वन बाय फाइव, सो माइनस जेड बाय फाइव प्लस बी, बी का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, इट इज ए टू बाय फाइव, दिस इज आवर ए जेड प्लस बी, एंड इसके डिवीजन में था वन प्लस जेड स्क्वेयर. देन प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू है वन बाय फाइव डिवाइडेड बाय जेड प्लस टू. नाउ ये जो डिवीजन का ब्रैकेट है उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, सो ये माइनस जेड बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव. हमारे पास में जो सर्कल है ना, वन लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन टू है, इसके वजह से हमें एक टर्म क्या मिला था, वन बाय जेड इज लेस देन वन, एंड दूसरा टर्म हमें मिला था जेड बाय टू इज लेस देन वन. तो इसके लिए ना इस सेकेंड ब्रैकेट में से वन बाय जेड अगर लेस देन वन है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके वन बाय जेड स्क्वेयर को भी आप लेस देन वन ले सकते हैं. इसके वजह से यहाँ पे जेड स्क्वेयर को कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि आपके पास में वन बाय जेड स्क्वेयर का टर्म आए. तो मैं इस ब्रैकेट में से जेड स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेती हूँ, सो इट इज ए वन प्लस वन बाय जेड स्क्वेयर प्लस, ये सेकेंड ब्रैकेट से टू को कॉमन निकाल लो, सो वन बाय फाइव ऑलरेडी था और यहाँ से टू भी कॉमन निकाल लोगे तो वी गेट वन प्लस जेड बाय टू. ये डिवीजन के ब्रैकेट को हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, सो वी गेट हियर वन बाय जेड स्क्वेयर इन ब्रैकेट माइनस जेड बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव और ये जो डिवीजन का ब्रैकेट है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट, सो इट इज ए वन प्लस वन बाय जेड स्क्वेयर होल रेस्ट टू पावर माइनस वन प्लस वन बाय टेन वन प्लस जेड बाय टू होल रेस्ट टू पावर माइनस वन. बिकॉज वी नो दैट ए डिवाइडेड बाय अगर बी है और होल डिवाइडेड बाय सी, तो ये डिवीजन का जो टर्म है ना, ये दोनों भी डिवीजन ये हो जाते हैं ए बाय बी इंटू सी. तो उसी के हेल्प से ये वन बाय फाइव और होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लीकेशन. Now expanded this term, so here 1 upon z square as it is, इस bracket में से आप 5 को भी वैसे बाहर निकाल सकते हो, so remaining is minus z plus 2 and expansion of this term is 1 minus 1 by z square plus 1 by z square whole square minus 1 by z square whole cube plus and so on. Then plus 1 by 10 in bracket. Is bracket ka expansion, to alternate plus minus. To 1 minus z by 2
प्लस जेड बाय टू स्क्वेयर माइनस जेड बाय टू ब्रैकेट क्यूब प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म में जस्ट हमें इस ब्रैकेट को है ना, या आउटसाइड के जो टर्म्स है बस उससे हम ओपन कर सकते हैं। मतलब मैं इसी टर्म को है ना नेक्स्ट स्टेप पे रीराइट करती हूँ। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर वैसे हो चुका है, ये हमारे पास में जो टर्म है आउटसाइड में ये माइनस वन बाय फाइव, ठीक है, और ये जो जेड स्क्वेयर है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो जेड स्क्वेयर के वजह से ये एक जेड कैंसिल आउट होगा और ये डिवीजन में एक जेड आएगा। मतलब ये जो ब्रैकेट है सेकेंड वाला, इसमें रहेगा आपका वन बाय जेड माइनस टू बाय जेड स्क्वेयर। एंड हियर इन टू में टर्म है वन, वन बाय जेड स्क्वेयर प्लस वन बाय जेड रेस टू पावर फोर माइनस वन बाय जेड रेस टू पावर सिक्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज वन बाय टेन इन ब्रैकेट वन माइनस जेड बाय टू प्लस जेड रेस टू पावर टू बाय फोर माइनस जेड क्यूब बाय एट एंड सो ऑन। हियर ये वन बाय जेड से ब्रैकेट को ओपन कर दो। वैसे ना यहाँ पे इतना नहीं किए तो भी चलता है क्योंकि ये एक्सपांशन तक के हो चुका है, बट आधा मार्क्स पूरा फाइनल आंसर को रहता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पूरे टर्म को एक्सपांड कर देंगे। ये वन अपॉन जेड से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। सो ब्रैकेट के आउटसाइड वाला जो टर्म है मैं इससे माइनस साइन से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। सो बेटर वे कि मैं इस माइनस वन बाय फाइव को प्लस वन बाय फाइव रखती हूँ, ये माइनस ये प्लस। सो वन बाय फाइव आउटसाइड का एज इट इज, सबसे पहले हम वन माइनस वन बाय जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जेड के पावर हर एक 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 से बढ़ जाएंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस का ये साइन चेंज होगा। सो माइनस वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड क्यूब माइनस वन बाय जेड रेस टू पावर फाइव एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो टर्म है टू बाय जेड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई। सो हियर ये हो गया पहला एक्सपांशन। दूसरा है टू बाय जेड स्क्वेयर माइनस टू बाय जेड रेस टू पावर फोर, देन नेक्स्ट टर्म इज प्लस टू बाय जेड रेस टू पावर सिक्स एंड सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस। देन नेक्स्ट टर्म इज वन बाय टेन वन माइनस जेड बाय टू प्लस जेड स्क्वेयर बाय फोर माइनस जेड क्यूब बाय एट एंड सो ऑन। तो ये लास्ट वाला जो टर्म है वो एज इट इज, एंड दिस इज द टेलर्स या लॉरियंस एक्सपांशन। थैंक यू, लाइक शेयर and subscribe.